जो एक कार्यक्रम है, रियाज भाई उसका पूरा टीम जो काम कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए और जनता को साथ में लेके करते हैं, उसको मैं अभिनंदन देता हूँ। और आज के जो जो गेस्ट आए उसको भी मैं अभिनंदन देता हूँ। हमारे साथ महाराष्ट्र से राजीव जी भाई आए, उसका भी नाम राजीव है, वो दोषी है, जैन समाज से बेना बहन दोषी है। गए प्रोग्राम में मैडम थी, हमारे भाई साहब थे, काफी लोग मिले थे, तो ये अपना घर ही दिखता है, कोई अलग नहीं दिखता है। ये जो अपना टीम है, अपना एक घर है, अपना एक समाज है, वैसा एक समाज। ये जो समाज का जो अपन को सीख दिया था राजीव गांधी जी ने कि साथ में जुड़ने का, एक दूसरे के साथ रहने का, वो राजीव गांधी जी ने जो काम किया था, सही में उन्होंने ऐसा काम किया था कि बच्चा बच्चा पहचानता है। आज भाजी वाली देखो तो भी मोबाइल लेके घूमती है, झाड़ू वाली देखो तो भी मोबाइल लेके घूमती है, ऐसी चीज बनाई है तो घर घर में से पहुंचता रहता है। और छोटे छोटे गांव में जाके राजीव जी गांधी ने जो काम किया है, शॉर्ट टाइम के अंदर जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। आज का नेता या मंत्री या पीएम है, कोई ये काम नहीं कर सकता है। और काफी लोग मेरे को ये पूछते हैं, भाई साहब आपको बताना चाहता हूं कि आपके रिश्तेदार भाजपा में और आप कांग्रेस में, तो उसका भी एक राज है। हमारे मोदी जी 12 साल से या 13 साल से पॉलिटिक्स में, मैं 25 साल से कांग्रेस के साथ में हूं और हम लोग का उम्र 1 साल आगे पीछे है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम एक ही गांव के हैं, आजू बाजू में रहने वाले हैं और उन्होंने जो काम किया है, लेकिन जो राजीव गांधी जी ने जो मजबूत पाया, इंदिरा गांधी जी ने पाया जो डाला था, जो प्रोजेक्ट रखे थे, कोई भी चीज बनाने में, मैडम कॉरपोरेशन में काम करते उसको मालूम होगा कि छोटा में छोटा रोड बनाने के लिए महासभा के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पास करना पड़ता है, 6-12 महीना निकल जाता है। सही बात है मैडम, वो 12-12 महीना जो छोटा काम में निकल जाता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट राजीव गांधी जी ने 60 साल पहले, इंदिरा गांधी जी ने सबने पूरा नक्शा बनाया था पूरा देश का, और उन नक्शा के मुताबिक सब नेता रहे, चाहे गुजरात का चिमन भाई पटेल अपना कांग्रेस का रहे या भाजपा का रहे, कोई भी नेता रहे, उसके पद्धति पे उसका कायदा कानून के हिसाब से वो चलना ही पड़ता है। चाहे वो अलाउद्दीन का चिराग बोलते हैं वैसा, एक दिन में कुछ काम नहीं होता है। कल नया कार्यकर्ता आपके एरिया में आके खड़ा रहेगा, बोलेगा ये रोड मैंने बनाई, क्या वो बोलने से हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो काम करने के लिए जो पद्धति है वो पूरी प्रोसेडिंग के साथ चलती रहती है, और उसमें गवर्नमेंट का साथ, प्रशासन, लोक प्रतिनिधि और प्रशासन, लोक प्रतिनिधि जनता के लिए लड़ता रहता है और गाली भी खाता रहता है कि हमारा ये काम नहीं हुआ, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि लोक प्रतिनिधि को कितना तकलीफ पड़ रहा है, लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, छोटा सा काम करने में ऐसा काम करने के लिए कितना मुसीबत पड़ती है। लेकिन हमारे राजीव गांधी जी ने जो कायदा कानून बनाया था उसके हिसाब से आज भी वही कायदा के हिसाब से सब काम पास होते हैं। चाहे इधर हो, मैं अभी थोड़ा दिन पहले कनाडा में था, वहां भी वहां के फाइनेंस मिनिस्टर, उधर के एमपी सबको मिले थे। ऐसा नहीं है कि अपने इंडियन लोग उधर भी बहुत आगे, कनाडा में एक पापा जी है वो एमपी मिले मेरे को, वो भी बहुत अच्छा उनका स्वभाव था, मेरे को साथ में लिया, बोला मोदी जी आपको हमारे इलेक्शन में बुलाएगा कनाडा। बोला मैं इधर कनाडा में आके क्या करूंगा सर, तो बोला तुम्हारी कम्युनिटी इधर ज्यादा है। तो क्या है कि ये अपनी इंडियन भाई है, चाहे हिंदू है मुसलमान है, इतने लोग परदेश गए हैं कि उसको उधर के नेता को अपनी जनता की जरूरत, इंडिया का नाम उधर लेना ही पड़ता है। और चाहे राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी है या मोदी जी है, किसी का भी नाम उसको लेना ही पड़ता है, तब अपने लोग वहां जाके उसको वोटिंग करते हैं और इंडियन वोट के हिसाब से वो लोग चुन के आते हैं, चाहे ओबामा है या कोई भी है। तो सबके लिए कायदा कानून जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था वही कायदा कानून के हिसाब से चलता है, और कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया आज तक कोई पार्टी नहीं कर सकता है। आपको छोटा खासा एग्जाम्पल देता हूं मैं कि जैन महात्मा रहता है या वैष्णव महात्मा रहता है, वो हजारों गांव चल के जाता है, पैर में जूते भी नहीं पहनते, लेकिन 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल के विश्राम करते हैं। अभी जो फास्ट दौड़ता है वो जल्दी गिर जाता है, उसको श्वास चढ़ जाती है, आपको मालूम है ना, जिसको हार्ट की तकलीफ रहती है वो वॉकिंग ट्रैक पे चलता है तो उसको श्वास कितनी भर जाती है। वैसी तरह ये जो नेता है या कोई धर्म गुरु है जो फास्ट चलता है, एकदम जो फास्ट, आपको सब पेपर मीडिया, मेरे को किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो फास्ट चलते हो जल्दी गिरते हैं, तो आप समझ जाओ मैं किसके ऊपर बोल रहा हूं। जो फास्ट चलता है वो जल्दी गिर जाता है, 1 साल के 2 साल के अंदर जो नाम बनाना चाहता है पूरा वर्ल्ड में वो एक दिन जीरो जरूर हो जाता है। और कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है, एक समुद्र, सब नदी उसको मिलती है, लेकिन धीरे 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 सब मिलते हैं और एकदम बंधन मजबूत होता है। ऐसी तरह ये भी अपना कांग्रेस पार्टी है, आज से
करीबन 100 साल पुरानी पार्टी है और ये कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है वो कोई नहीं दे सकता है। आज कंप्यूटर देखो, बच्चे आगे पढ़ते हैं, इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर, किसी की ऑफिस में कंप्यूटर नहीं तो बोलेगा इसकी ऑफिस में जाना ही नहीं, कुछ स्टाफ नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल्स नहीं है। तो क्या है कि आज मोबाइल जो चीज थी वो राजीव गांधी जी ने जो जे अपने जनता के लिए जो दिया है वो अपन जिंदगी भर भूल नहीं सकते। हम तो राजीव गांधी जी को भी देखा है, इंदिरा गांधी जी को भी देखा है। इंदिरा गांधी छोटा सा मेरे गांव में भी आए हुए थे, छोटा सा गांव में 5,000 लोग रहते हैं, वो गांव में भी आई थी और सही में जो जनता के साथ बैठ के जो समाधान करते हैं, जो बात करते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि जनता का काम करने वाले नेता है। और जो रातों रात बड़ा हो जाता है वो कुछ काम नहीं करता है, खाली वो हवा में रहता है। और ये बताना चाहता हूं, अभी थोड़ा मारवाड़ी समाज का एक कार्यक्रम था, उसमें राजस्थान से काफी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग थे मीटिंग में, सब धर्म समान का मीटिंग था, उसमें मैं गया था। आपको इसलिए बताना चाहता हूं, कोई किसी चीज की टिप्पणी नहीं करता हूं, किसी का बुरा नहीं बोलता हूं, लेकिन जो मैं मेरी आंखों के सामने देखता हूं बताता हूं कि इंडिया का जो पीएम है उसका खर्चा कितना है मालूम है आपको? मनमोहन जी का तो खर्चा कुछ नहीं था, 0 पॉइंट था। पीएम का खर्चा इतना है कि जो 5 साल के अंदर फॉरेन की ट्रिप जो लगेगी ना तो 50 लोग एडवांस जाते हैं, 50 मीडिया वाला जाता है और 100 लोग वो 3 महीने पहले वहां जाके डेरा डालते हैं, सब समाज को इकट्ठा करते हैं और पब्लिक को जमा करने का काम करता है। बाद में अपने साथ जाते हैं वहां और वहां जाने के बाद फिर वहां इंडियन लोग ही वाह वाह करते रहते और उसकी तारीफ करते रहते हैं, वही मीडिया में अपन इधर देखते हैं। बाकी उधर के जो गोरे लोग अपन बोलते हैं, काले लोग बोलते हैं, वो उसको किसी का नाम भी पता नहीं है, कौन नेता आया कौन गया वो भी पता नहीं, खाली इंडियन लोगों को मालूम है कि अपना प्राइम मिनिस्टर इधर आया, कि मैं खुद मेरी आंखों के सामने देख के आया हूं। तो वैसी तरह जो जो काम जो करता है वो आगे आता है, तो जो उसका खर्चा मैं बताना चाहता था, मीटिंग में बताया गया खर्चा कितना है, तो पूरा इंडिया का कर्ज 5 साल में पूरा हो जाए इतना खर्चा है। आपको अच्छा लगे तो ताली बजाइए, अगर आप कैलकुलेशन करना कैलकुलेटर लेके घर में है, हिसाब लगा ना कि 50 मैं अकेला जाके आया तो 2-3 लाख का खर्चा मेरा खुद का हो गया, तो आज 50 लोगों को पहले भेजना, मीडिया वालों को खाना पीना, मेरा तो बेटा रहता है इसलिए मेरे को इतना खर्चा लग गया। अगर किसी का कोई नहीं रहता उसका 5 स्टार होटल का खर्चा देखो, तो चाहे कोई भी नेता है, मोदी जी के ऊपर नहीं बोलता है, ये कोई भी नेता जो फॉरेन जाके उसका जो उसकी जो पब्लिक सिटी करता है वो इंडिया में इफेक्ट होता है कि भाई उधर जाके उसको मान मिला सम्मान मिला। वो अभी भी उधर के जो फाइनल मिनिस्टर आए थे उन्होंने वोट लेने के लिए एक जाहिर प्रोग्राम में बताया कि नरेंद्र मोदी जी मेरा खास फ्रेंड है, गुजराती में एक वाक्य बोला और जय स्वामी नारायण करके ऐसा भाषा में उन्होंने बताया। क्यों ऐसा बोलते वो लोग भी बोलना पड़ता है कि इंडियन वोट लेने के लिए। तो आज अपन तो इंडिया में रहता है, अपन को गर्व होना चाहिए कि अपना नेता कौन है, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, खून बहाया है, वैसे अपने नेता जो उसको याद करना चाहिए। और आज का दिन इतना महत्व का है कि अपना नेता को अपन याद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जिसने अपन को बराबर ताकत दिया है, अपने बच्चों को ताकत दिया है, अपना परिवार को ताकत दिया है, आगे बढ़ने का ये दिया है। आज देखो आप कांग्रेस पार्टी में चाहे नगर से वो एमपी है या मंत्री है, उसको पूछिए कि इंदिरा गांधी नहीं रहती कांग्रेस पार्टी नहीं रहती आप कहां रहते थे भाई, किधर कहां नहीं रहते थे, 4 लोग पहचानते भी नहीं थे। तो ऐसे जो नेता अपने राजीव गांधी जी है उसको लाखों वंदन करता हूं और ऐसे आज के दिन उसको मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमेशा राजीव गांधी अपने पिच में है, अपने साथ है, वो किधर भी गए नहीं। और भगवान के घर में, खुदा के घर में अच्छे लोगों की जरूरत है, तो आपके घर में, हमारे घर में चाहे कोई भी है जिसको खुदा या भगवान जल्दी बुलाता है, तो ध्यान रखना कि अपने परिवार वाले बहुत अच्छे थे, भगवान ने उसको जल्दी बुला लिया, कि भगवान के घर में अच्छे लोगों की जरूरत है, ऐसे बुरे लोगों की जरूरत नहीं। आप समझ जाना कि ऐसे बुरे लोगों की जरूरत नहीं रहती है, भगवान के घर में अच्छे लोगों की जरूरत है। तो अपने राजीव गांधी जी कहां भी गया नहीं है, वो भगवान के खुदा के साथ बैठे हैं और वहां बैठे बैठे अपन को गाइड करेगा, चाहे डॉक्टर साहब की आत्मा के अंदर रहेगा, चाहे आपकी आत्मा के अंदर रहेगा, आपका हृदय के अंदर रह के जो काम करेगा वो अपने नेता लोग, अपने दोस्त लोग, अपने परिवार वाले लोग जो काम करते हैं उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो जो आज अपने भाई बंधु दोस्त आए उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आज आप यहाँ आए और यहाँ के जो कार्यक्रम है, रियाज भाई को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि चाहे रियाज भाई कुछ भी हो जाए
प्रोग्राम लेट हो जाए, छेट हो जाए, लेकिन प्रोग्राम के अंदर वो और हमारे ज्योति मैडम और यहाँ के उनके साथी कार्यकर्ता, हमारे जनरल सेक्रेटरी नेशनल के, तो जो काम यहाँ करते हैं उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ऐसे कार्य में हाथ बटाना जरूर है। और खाली चंद्रकांत मोदी नहीं, राजीव जी दोषी नहीं, पूरा महाराष्ट्र का हमारी जनता और नेता तुम्हारे साथ रहेंगे। कभी भी कुछ भी काम है हमको जरूर याद करिए। तो आप हम राजीव गांधी की और इंदिरा गांधी ने जो आपको संस्कार दिया, उस संस्कार के माध्यम से आपका काम जरूर पूरा करेगा। और खुदा को, भगवान को प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन राजीव गांधी हमेशा हमारे बीच में रहे और डॉक्टर साहब को और सभी टीम को ताकत दे, ऐसे कार्यक्रम करते रहे। हमेशा हम आपके साथ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।